सो सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन निकालना होगा एंड चेक करना होगा कहाँ पर मैं ये जाड़ा वाला एडजस्ट कर सकता हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेलमेट के अंदर माइक का सेटअप कैसे करते हैं प्रॉपरली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या लेकर रखा है। हेलमेट बोया का BYM1 माइक, दो टेप सीजर है। सो इसका माइक सेटअप करने से पहले मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है एंड मुझे क्या प्राइस में मिला है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते बोया BYM1। सो बोया के माइक का बॉक्स कुछ इस तरह दिखता है। इसमें काफी सारे क्वालिटीज आते हैं, फेक आता है, बट आपको जानना है ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो आप इसका बार कोड सब कुछ अच्छे से चेक करना। एंड इसका जो प्राइसिंग है वो इसमें नहीं आता है, बट मैंने ये 700 में लिया है। आपको ऑनलाइन भी 700-750 के करीब मिल जाएगा। सो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले एक बड़ा सा पिन आता है जो एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, उसी के साथ एक छोटा क्लिप आता है। एंड देन आता है बोया का माइक का बॉक्स, इसके अंदर माइक है, ये बाद में खोलते और इसमें क्या है। सो इसमें एक यूजुअल मैनुअल आता है, ये तो कुछ नहीं, इसे साइड में रख देते, और एक वारंटी कार्ड आता है। तो चलिए अभी सबसे पहले माइक देखते। ओ भाई साहब, इतने बड़े वायर, ऐसा लग रहा है एक गांव के घर से दूसरे गांव में वायर लगाना, इतने बड़े दिए कंपनी, कुछ ज्यादा ही बड़े वायर दिए। काश कंपनी एक इतना सा छोटा वायर बना के देती और उसमें हमें कम चार्ज करती, इतना बड़ा देने से अच्छा क्यों ना कंपनी हेलमेट सेटअप के लिए स्पेशल छोटा माइक बना लेते। इतना बड़ा कहाँ पे मैं कैसे लगाऊं, अब तो मुझे कुछ तो कुछ जुगाड़ करना होगा। तो चलिए अभी हेलमेट में सेटअप करते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे ये कुशन निकालना होगा एंड चेक करना होगा कहाँ पर मैं ये जाड़ा वाला एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फटाफट इसे निकालते और एडजस्ट करते होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार मैंने अपना माइक का सेटअप किया है। मेरे हेलमेट में हर जगह ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैप्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वहां पर मैं अच्छे से वायरिंग करूं। तो गैप में मैंने प्रॉपर वायरिंग किया है, तो मैं हेलमेट पहनूंगा तो मुझे कुछ लगेगा नहीं। ऑल्सो जो ये माइक का सेटअप है ये डबल स्टिकिंग टेप से चिपका दिया है यहाँ पर पीछे, और जो भी ये सब अंदर एडजस्टमेंट किया है, जो कैमरा में माइक लगे वो मैंने यहाँ पर छोड़ के रखा, यहाँ से मैं कैमरा में माइक लगाऊंगा। एंड जो दूसरा साइड है ये मैंने यहाँ पे माइक छोड़ के रखा है जो कि यहाँ पर लगेगा। सो अभी मैं पूरा इसे पैक करता हूँ, पूरा पैक करके आपको बताता हूँ कि कैसा है, और मैं खुद इसे पहन कर भी देखूंगा और ट्रायल करके भी देखूंगा। सो फाइनली माइक का सेटअप हो चुका है, पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है माइक। एंड आगे से तो अभी तक मैंने इसमें चिन माउंट नहीं लगाया, तो अभी थोड़ी देर में मैं चिन माउंट लगाऊंगा, उसके बाद गोप्रो का सेटअप करूंगा। बट सबसे पहले इसे पहनकर देखते हैं कि कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं। फिट तो एकदम परफेक्ट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैंने माइक का सेटअप किया एकदम प्रॉपर। जैसा मैं नॉर्मल डेज में पहनता हूँ, नॉर्मल पहनता हूँ विदाउट माइक, सेम वैसे फील आ रहा है। इससे पहले मैंने माइक लगाया था, लगा कर देखा था, आधा सा वायर यहाँ पर था, आधा सा वायर यहाँ पर था, कुछ अजीब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैंने राइड भी करके देखा था तो मेरा हेलमेट ऐसा लग रहा था थोड़ा ऊपर आया, बट अभी एकदम प्रॉपर हुआ है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है मैं नॉर्मल हेलमेट पहना हूँ विदाउट माइक। सो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है और आगे से ये मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पर माइक है इधर इधर नीचे। सो मुझे ना ज्यादा ऊपर रखना है और ना ज्यादा नीचे, क्योंकि इधर प्रॉपर ये विंड को रोकेगा। चलिए थोड़ी देर में पूरा सेटअप होने के बाद राइड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो पूरा सेटअप हो चुका है चिन माउंट लगाकर, एंड अभी मैं निकल चुका हूँ माइक टेस्टिंग करने। इसमें माइक टेस्टिंग के साथ मैं आज आपको दो वीडियो क्वालिटी बताने वाला हूँ। ये जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड में विथ 4K
60 फ्रेम रेट। एंड जो नेक्स्ट वाला मैं करने वाला हूँ वो होगा सुपर व्यू के साथ। तो अभी फिलहाल स्टैंडर्ड वाला देखते हैं, उसके बाद मैंने एक्टिविटी में सुपर व्यू वाला सेव किया है वो चेक करेंगे। सो अभी जो आप मेरा वॉइस सुन रहे हो वो मैं अपना पूरा हेलमेट बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड मेरा जो स्पीड है वो 30-40 का स्पीड है। तो अभी जो मैं आगे का रिकॉर्ड करने वाला वो होगा हेलमेट का वाइजर ओपन करके। सो मैंने हेलमेट का वाइजर ओपन कर लिया है एंड कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा है। जो मोटो व्लॉगिंग के लिए वीडियो क्वालिटी दोनों बेस्ट है, बट आपके प्रेफरेंस के ऊपर है आप कौन सा रखना चाहते हो। ओके, सो जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो सुन रहे हो वो मैंने वीडियो क्वालिटी रखा है सुपर व्यू में 2.7K 60 फ्रेम रेट। और जो वॉइस सुन रहे हो वो मैंने अपना वाइजर बंद करके रखा है। अब ट्राई करते हैं वाइजर ओपन करके कैसा आवाज़ आ रहा है। सो मैंने वाइजर खोल दिया है एंड अभी आपको थोड़ा सा विंड जैसा आवाज़ आ रहा होगा, हवा चल रही है काफ़ी और मेरा जो स्पीड है वो 30 के करीब है, 30-40 आप देख सकते हो 40 पे जा रहा है। अब दूसरे साइड चलते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं। मैं थोड़ा इसको स्पीड में भगाऊंगा और रिकॉर्ड करके देखता हूँ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 40 प्लस हूँ। आई होप आपको विंड का जो नॉइज़ है वो थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो हेलमेट का पैडिंग है पैडिंग के अंदर इसे माइक को सेट किया है। आप भी अगर हेलमेट के पैडिंग के अंदर माइक सेट करोगे तो आपको एकदम इजी और सही पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा विंड का नॉइज़ नहीं आएगा। सो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, हर जगह जहाँ पर शेयर हो सकता है सभी को शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूं। और अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग व्लॉग।